सांस्कृतिक धरोहर है और ये जो है ऐतिहासिक धरोहर है और उत्तर प्रदेश सरकार के धरोहरों में एक है और उत्तर प्रदेश क्या भारत के धरोहर में एक है, तो इसमें कहाँ कौन इनकार कर सकता है कि जो है ताजमहल धरोहर नहीं। भाई ताजमहल के नाते भी हिंदुस्तान के जाना जाता है। देखिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया था कि इसमें जो भी रकम है वहाँ के संतों ने, स्थानीय नागरिकों ने खर्च किया, सरकार का एक भी नहीं पैसा खर्च किया गया है। और मुझे तो लगता है कि प्रश्न पूछने के साथ साथ आपको भी उत्साह मनाना चाहिए था कि उदास अयोध्या में पहली बार दीपावली तो मनी। अन्य तीर्थों में जाने के बाद लगता था कि तीर्थ है उसका जगमगाता रहता था, लेकिन अयोध्या में जाते थे तो लगता था कहीं सीता का श्राप तो नहीं लग रहा है। अब की बार पहली बार अयोध्या जगमगाई, तो इसके लिए तो हम सभी लोगों को गर्व करना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद जी जब इस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे तो लाख लोगों के मना करने के बाद भी वो सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए गए थे। उनकी परंपरा का एक अंग है, तो बहुत अच्छी बात हुई है। उसमें भी केवल मंडी शुल्क को छोड़ करके और कोई कर नहीं है। तो जहाँ से भी आपके संज्ञान में है कि कई कर लग रहे हैं तो उस कर की जानकारी हमें दीजिए, तब तो हम जाने कि कौन और कर लग रहा है। अभी हम इतना ही जानते हैं कि GST अनेक कानूनों को ख़त्म कर करके लागू की गई है और GST सबके हित के लिए है, चाहे कंज्यूमर के लिए हो चाहे व्यापारी के लिए हो, इस सबके हित की बात है।